हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने होंडा एक्टिवा के कार्बोरेटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, क्लीन करने के पहले सबसे पहली बात कि आपको कब लगेगा कि ये कार्बोरेटर, इसे क्लीन करना चाहिए। ओके, तो सपोज़ आपके व्हीकल में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, या अनइवन आइडलिंग हो रहा है, या जब आप चला रहे हैं तो कभी कभी आप जर्क फील होता है। जर्क इसलिए भी फील होता है, कभी कभी कॉइल का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आप स्पार्क प्लग गंदा होता है या स्पार्क प्लग शॉर्ट कर जाता है, उससे भी होता है। बट आपने अगर सब कुछ कर लिया, ओके, स्पार्क प्लग का आपने चेंज कर लिया, क्लीन कर लिया, आपने सारे कॉइल्स चेक कर लिए, ओके, फिर भी आपका जर्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो प्रॉब्लम आपका कार्बोरेटर में भी हो सकता है। कार्बोरेटर आपका डर्टी हो सकता है, उसका जेट में प्रॉब्लम हो सकता है, क्लॉग्ड होगा जेट, ओके, तब आपको कार्बोरेटर क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लीन करने का दो मेथड है, एक तो आप इसे ड्रेन करके देख लीजिए, अगर ड्रेन करके प्रॉब्लम इशू सॉल्व होता है, ओके, तो इट्स वेल एंड गुड। बट मेरे केस में क्या है कि मैंने इसे ड्रेन करके देखा है और ये जो इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है और ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इसका कार्बोरेटर खोल के इसे क्लीन करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए मैं इसका कार्बोरेटर ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले कार्बोरेटर ओपन करने के लिए सबसे पहला काम कीजिए, आप जो अपर बॉडी रहता है ये, ओके, मैंने पूरा ही ओपन कर लिया है, बट आपको पूरा ओपन करने का जरूरत नहीं है। आपके डिक्की में तीन बड़े बड़े बोल्ट होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रहता है और दो यहाँ पे ऊपर में रहेगा, ओके, एक यहाँ और एक यहाँ, ओके, ये तीनों बोल्ट आप ओपन कर लीजिए और उसके बाद ये बॉडी को इस तरह से आप सस्पेंड कर लिए ऊपर आपका, ओके, तो जब आपका बॉडी सस्पेंड हो जाए उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कीजिए कि इसका एक्सीलेटर केबल आप ओपन कर लीजिए। ओके, ये जो आपका एक्सीलेटर केबल है इसके अंदर स्लाइड होगा, इस तरह स्लाइड होगा, ये स्लाइड आप याद रखिएगा, ये जो बड़ा वाला कट है ये इस साइड में फ्रंट में रहेगा और ये छोटा वाला कट बैक साइड में रहेगा। ओके, और इसे सेफली रख लीजिए, ओके, डर्टी नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो यहाँ पर रहता है चॉक केबल, यहाँ से इसमें हैंग रहता है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, कुछ भी नहीं है, ये वाला स्क्रू आपको ओपन करना पड़ेगा, ये वाला स्क्रू ओपन करके आपको इसे यहाँ से केबल निकालना पड़ेगा, ऑलरेडी निकला हुआ है ये। ओके, ये चॉक का लीवर इसी में अटैच रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, जो स्ट्रैप है, ओके, ये वाला जो स्ट्रैप है इसे आपको ढीला करके, ओके, काफ़ी लूज़ करके इसे पीछे कर देना है, इसे पीछे कर दीजिए इस तरह से। ओके, ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये जो दो बोल्ट्स हैं इसे आपको ओपन करना है, ये इनलेट मैनिफोल्ड बोलते हैं इसे, इनलेट मैनिफोल्ड में दो बोल्ट्स हैं, उसे ओपन कर लीजिए। ओके, ये दोनों बोल्ट को रिमूव कर लीजिए आप। ओके, धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। ओके, ओके, ये दोनों बोल्ट को ठीक से रख लीजिए, ये भी ओपन करके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपका पैकिंग है ऐसे भी आप सेफली रखिए, इसका डायरेक्शन देख लीजिए, इस साइड पीछे था और ये आगे था फ्रंट में। ओके, इसमें एक ओरिंग रहता है, वो भी रहना चाहिए, नहीं तो एयर लीक करता है। ओके, और इसमें अंदर में एक ओरिंग रहता है, यहाँ पर यह पैकिंग रहता है देखिए, और यहाँ पर एक ओरिंग रहता है, तो सारा आपको याद रहना चाहिए। ओके, इसे सेफली रख लीजिए, कैसे क्या था सेम सिक्वेंस में याद रखिएगा। ओके, कोई भी चीज़ ओपन कीजिए तो उसे आपको याद रखना चाहिए कि मैंने किस सिक्वेंस में ओपन किया, और अगर आप याद नहीं रहता है तो आप इसका स्नैप ले लीजिए। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है ये फ्यूल पैप है। ओके, ये फ्यूल पैप हटा लीजिए। ओके, ओके, देखिए यहाँ पे है, पेट्रोल आ रहा है इसमें। ओके, और ये जो क्लिप रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्लिप पाइप को निकलने से बचाता है और टाइट रखता है, तो आपका पेट्रोल इधर उधर लीक नहीं होगा कभी, या लूज़ कनेक्शन के कारण आपका पाइप बाहर नहीं आएगा। ये क्लिप, ये सबको कभी मिस मत कीजिएगा, आप सेफली इसको रखिएगा। ओके, और ये जो आपका इनलेट पाइप है ये आपका बाहर निकल गया साथ में ही। ओके, तो इसे आप रिमूव कर दीजिए इस तरह से। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, या पाइप भी रिमूव हो गया, तो ये आपका कंप्लीट जो पाइप है ये आपका आ गया कार्बोरेटर आपके हाथ में, और ये आपका
ड्रेन पाइप है। ओके, आप क्या कीजिए, जो इंटेक मैनिफोल्ड है इसमें एक कपड़ा डाल दीजिए इस तरह से, वेस्ट क्लॉथ, ताकि इसके अंदर कुछ जाए नहीं। अगर जाएगा इसके अंदर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, ये इंटेक वाल्व के पास चला जाएगा। ओके, और उसके बाद इंजन सिलेंडर में, तो इसके अंदर कुछ नहीं जाए, इसलिए इसे सेफली आप इस तरह से क्लोज़ कर दीजिए। ओके, और उसके बाद हमारा कार्बोरेटर है, इसे हम आराम से क्लीन करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमारे कार्बोरेटर में इतना सारा डस्ट पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आया। तो आप इसके एयर फिल्टर का अगर कंडीशन आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, कितना डर्टी था इसका एयर फिल्टर। ओके, और यहाँ पे एक देखिए, आपका एक स्पाइडर आपका वेट कर रहा है। ओके, ये भी। और अगर आप इसका एयर फिल्टर का कंडीशन देखेंगे तो काफ़ी क्रिटिकल है कि इसका जो फोम है वो लूज़ है, तो डस्ट यहाँ से जाता है ये लूज़ होने के कारण। ओके, तो यही सारे रास्ते हैं जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल अंदर तक जा सका, कार्बोरेटर के अंदर तक। ओके, नहीं तो ये जो एयर फिल्टर रहता है इतना एफिशिएंट रहता है कि डस्ट पार्टिकल को एंट्री लेने ही नहीं देता है। ओके, तो अगर आपका कहीं भी आपका लूप होल्स है, जैसे कि यहाँ पे कार्बोरेटर आपका, एयर फिल्टर आपका यहाँ पे लूज़ है और इतने सारे डर्टी हैं, तो ये आपका जाएगा ही कार्बोरेटर में आपका डस्ट पार्टिकल। तो यही सब प्रॉब्लम था जिसके कारण हमारा कार्बोरेटर इतना गंदा था। नहीं तो कार्बोरेटर जल्दी गंदा होता नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर डस्ट पार्टिकल गया तो वो ओवरफ्लो करने से ही क्लीन हो जाता है। ओके, इतना हमें ओपन करने का जरूरत बहुत रेयर पड़ता है। ओके, तो ये रहा हमारा कार्बोरेटर। ओके, तो कार्बोरेटर को ओपन करके क्लीन करने के पहले इसका आउटर जो है एरिया, देखिएगा यहाँ पे काफ़ी डस्ट रहता है, काफ़ी गंदगी रहता है, तो पहले इसे हम क्लीन कर लेंगे। ओके, तब जाके हम ओपन करके अंदर का पोर्शन क्लीन करेंगे। पहले ऊपर का जितना भी डस्ट है ये सब देख रहे हैं, इसे थोरली क्लीन कर लेंगे। तो आप इस तरह का ब्रश, सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और बेस्ट है आपका जो पेट्रोल, पेट्रोल से हम इसे क्लीन कर लेंगे पूरा, और थोरली क्लीन करने के बाद ही हम इसे ओपन करेंगे। ओके, इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं पेट्रोल यूज़ करके। ओके, कम्प्लीटली आप क्लीन कर लीजिए, कोई भी डस्ट, कोई भी ग्रीस, स्टिकी पार्टिकल, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और ये जो है ड्रेन पाइप, ये इसे आप रिमूव कर लीजिए, अननेसेसरी है अभी के लिए, और इसे हम थोरली क्लीन कर लेंगे। इसे क्लीन कर लिया आउटर एरिया को, और अब हम इसके अंदर इसे ओपन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बॉल का जो ये दो स्क्रू आपको नीचे दिखेगा, ओके, ये और ये, और जैसे से आप ओपन करते हैं सब आपको याद रहना चाहिए कि मैंने क्या ओपन किया था, उसके बाद फिर क्या ओपन किया था। तो बॉल का दो जो स्क्रू है वो हम ओपन करेंगे। ओके, और जितने भी स्क्रूज़ हैं उसे आप याद करके एक जगह रखिए, कहाँ पे कौन ओपन किए थे। ओके, ये एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। मेरे वीडियोस आपको थोड़े से लेंदी लग सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप करें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, तो ये हमारा बॉल होगा, इसी में पेट्रोल स्टोर रहता है। ये देखिए हमारा बॉल है, और देखेंगे कितना ये डर्टी है। ओके, कितना ज़्यादा इसके अंदर गंदगी भरा हुआ है, डस्ट पार्टिकल, ये वो, आप अगर देखेंगे इसे तो कितना है डट्टी इसमें। अगर आपका एयर फिल्टर ठीक से एयर को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल ये सब होते हैं आपका, सब यहीं पे स्टोर होगा करके। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो देखिए कितना डस्ट पार्टिकल ये सब है। अब इसे और क्लीन करना है। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया ये फ्लोट। ओके, तो फ्लोट को रिमूव करने के लिए पिलियर्स का आप यूज़ कीजिए, और इस पिन को आप धीरे से, ओके, इस तरह से आप खींचिए,
देखिए आपका ये पिन निकल जाएगा, ओके। और आप फ्लोट धीरे से निकालिए इसको, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी गिर गया, ये यहाँ पे रहता है, ये इसे बोलते हैं फ्लोट पिन, ओके। ये जो नीचे जो है आपका फ्लोट पिन है, और ये इस होल में जाता है, और इसका काम ये रहता है जब आपका ये जो बॉल है, ओके, ये जो आपका बॉल है जब ये पेट्रोल से यहाँ तक भर जाता है, ओके, इस लेवल तक, तो ये पेट्रोल का एंट्री बंद हो कर देता है। देखिए आप देखेंगे ये फ्यूल का इनलेट है पेट्रोल का, और ये इस तरह से यहीं से आता है, तो जब पेट्रोल का लेवल वॉल में हो जाता है जितना चाहिए, एक कांस्टेंट लेवल रहता है, जैसे कि आपके टॉयलेट के फ्लश का कैसा होता है, जो सिस्टर्न होता है उसका कैसा होता है, सेम वही चीज़ इसमें है। तो ये वाल्व टाइप का रहता है, ये पिन इसे क्लोज कर देता है, ओके, तो उसी लेवल पे मेंटेन रहता है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका आया ये आपका हो गया मेन जेट, और ये आपका पायलट जेट, ओके। तो इसे जब ओपन कीजिए तो आप प्यार से ओपन कीजिए, ओके, इसको तोड़ना नहीं है आपको, आराम से जो ओपन कीजिए, और यही हमारा मेन हीरो है, ओके। यही अगर क्लॉग्ड रहा कुछ रहा तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। और देखिए एक्चुअली ये हीरो नहीं, ये विलेन है, क्योंकि आप देखेंगे कितना ये क्लॉग्ड है, इसमें कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ हैं, सारे होल्स इसका ब्लॉक्ड है, ओके। तो इसलिए मेरा जो एक होंडा एक्टिवा है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। आप देखेंगे कितने सारे डस्ट इम्प्योरिटीज़ ये सब है इसमें, ओके। तो इसे आप साइड में रखिए। उसके बाद आपका जो पायलट जेट है यहाँ पर, ओके, सही स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कीजिए आप, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए, और किसी में फोर्स का यूज़ मत कीजिए, आराम से ओपन कीजिए। ये भी होल्स क्लॉग्ड है, थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल इसमें भी हैं, बट ये कंपेयर टू कुछ ठीक है, ओके। तो ये हमारा ओपन हो गया, और यहाँ भी देखेंगे आप कि पूरा डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है ये। ये देखिए कितना इसमें आप देखेंगे, अभी क्लियर आपको दिखेगा कि कैसे ब्लॉक्ड है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, एकदम स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था व्हीकल, ओके। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आपका एयर फिल्टर सही नहीं रहता है या फ्यूल फिल्टर सही नहीं रहता है, यही प्रॉब्लम होता है, ओके। और ये आपका चॉक का स्लाइड है, ओके, इसे अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कीजिए, नहीं तो ये बिना ओपन किए भी आपका क्लीन हो सकता है, बट मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कैसे इसे ओपन करते हैं, ओके। इसको ओपन करने के पहले सबसे पहले ये वाला स्क्रू आप ओपन कर लीजिए, ओके, ये स्क्रू ओपन हो गया, बहुत सिंपल है, आप बस ध्यान रखिएगा कहाँ से आप क्या ओपन किए हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या कीजिए, ये जो स्लाइड रहता है, ओके, सॉरी जो गेट रहता है यहाँ पे एक स्क्रू है, इसे ओपन कीजिए आप इस तरह से, ये आपका आगे स्लाइड आ गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इसको आप इस तरह से निकाल लीजिए, ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद ये जो आपका चॉक का गेट जो है, ये आपका शाफ्ट निकल गया बाहर, ओके। उसके बाद दो और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपका आइडलिंग स्क्रू हो गया, और एक है एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू। आप अगर कार्बोरेटर एडजस्ट करते होंगे तो आपको ये याद होगा
ये आपका हो गया आइडलिंग स्क्रू, इससे आपका आइडलिंग का कंट्रोल होता है। ओके, तो इसे आप आराम से ओपन कर लीजिए इसको, किस क्योंकि जब आप फिट करेंगे तो आइडलिंग आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको आइडलिंग चाहिए। ओके, तो इसे आप रिमूव कर लीजिए। ओके, ये इस तरह का देखिए, ये भी कितना डर्टी है। उसके बाद जो आपका एयर फिल मिक्सचर स्क्रू रहता है, ऐसे तो आप कार्बोरेटर का एयर फिल मिक्सचर एडजस्ट करेंगे ही, बट फिर भी जो ओरिजिनल आपका जो कंडीशन है उसको याद रखने के लिए इसे आप टाइट कीजिए। इसे टाइट जब आप कीजिएंगे तो आप काउंट कीजिएगा, जैसे कि मैं हुआ ये 1, ओके, एंड 1.5, 1.5 पे आए ये। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि 1.5 टर्न्स था। उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओके, ऐसे हम इसे एडजस्ट करेंगे एयर फिल का बाद में, ये कोई इशू नहीं है, बट आप ओरिजिनल क्या सेटिंग था तो आपके लिए इजी रहेगा रेफर करना। और इसके अंदर एक स्प्रिंग भी रहता है। ओके, ये आपका एयर फिल मिक्सचर स्क्रू है, ये अमाउंट को कंट्रोल करता है एयर फ्यूल रेशियो को। ओके, तो सारे आपके ओपन हो गए। अब क्या करेंगे हम, इंटरनल जितना भी ऐसा क्लीन करेंगे। ओके, पहले से साइड रख लीजिए, जो भी ये है आप इसे क्लीन कर लीजिए, जो बॉल है ये है सब कुछ आप क्लीन कर लीजिए इसे। उसके बाद फिर तो मैंने सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। ओके, क्लीन इन द सेंस कि ये नहीं कि इसे पॉलिश कर देना है, एकदम चमका देना है, ऐसा नहीं। क्लीन कर इन द सेंस कि ये जितने भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाना चाहिए, इसके जो होल्स हैं सारे क्लीन होने जाने चाहिए, कहीं भी कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। ओके, इसके कलर से कुछ लेना देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा ये जो हीरो, अब ये हीरो बन चुका है विलेन से, इसके जो होल्स हैं आप तो इसे आप नाइसली क्लीन कर लीजिए, कोई भी क्लॉग नहीं होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रहना चाहिए इसमें। ओके, इसे सब सारे होल्स को आप माइन्यूटली चेक कर लीजिए, अगर कोई क्लॉग्ड है, आर पार नहीं दिख पा रहा है तो उसे आप क्लीन कर लीजिए इस तरह से। ओके, वायर को लेकर के, ओके, आपको पता चल जाएगा चारों तरफ होता है इसका, फिर इधर से आप देख सकते हैं। ओके, कुछ भी क्लॉग नहीं रहना चाहिए। इसी तरह ये जो पायलट जेट है इसको भी आप सेम, इसमें भी रहता है, इसमें थोड़े बड़े बड़े होल्स होते हैं, इसे भी आप डबल चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर क्लॉग रहा, आर पार नहीं दिख रहा है तो इसे आप क्लीन कर लीजिए इस तरह से। ओके, ओके, और इसमें आइए अब, ये तो मेरा जेट क्लीन हो गया। ओके, अब जो बॉडी है इसमें अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर है तो इट्स बहुत अच्छा बात है, बट अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर का सोर्स नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास उससे भी अच्छा टूल है, हमारा ये सिरिंज। ओके, अब क्या कीजिए कि इस तरह से इसमें आप पेट्रोल लीजिए। ओके, ओके, और इस तरह से हर एक होल्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये जो है फ्लोट और इनलेट वाला था, इसमें आप डाल के देखिए। ओके, देखिए ये क्लीन है। ओके, और ऐसे पूरे प्रेशर के डाल साल ये क्लीन है। ओके, उसी तरह जितने भी होल्स हैं उसी तरह हमारा जो मेन जेट है उसमें आप देखिए। ओके, ये नीचे से आ रहा है, क्लीन है। ओके, फिर आपका पायलट जेट वाला है, इसमें आप डाल के देखिए, देखिए कहाँ से निकल रहा है, देखिए यहाँ जो पायलट जेट वाला है, देखिए कहाँ से निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है पता है, जो हमारा एयर फिल मिक्सचर का एडजस्टमेंट था वहाँ से निकल रहा है ये वाला। ओके, तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे कैसे सर्किट काम
करता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर, वो आप डिटेल में देख सकते हैं कैसे कैसे काम करता है, क्या होल्स कैसे होता है। ओके, तो जितने भी आपके होल्स हैं सबको आप, जितने भी होल्स आपको देखे सबको आप एक बार चेक कर लीजिए, डबल चेक कर लीजिए। ओके, पेट्रोल डाल के, कंप्रेस्ड एयर नहीं है कोई बात नहीं है, उससे बेटर हमारा सिरिंज काम करता है। ओके, उससे फार मोर बेटर काम करता है हमारा सिरिंज। ओके, सारे होल्स आप क्लीन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ओके, कोई भी सर्किट छूटना नहीं चाहिए, आइडलिंग सर्किट, पायलट होल वाले सर्किट, सारे सर्किट्स आप डबल चेक कर लीजिए कि कोई क्लॉग तो नहीं रह गया, किसी में कोई डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं रह गया। अगर डस्ट पार्टिकल होंगे तो ये जो आप प्रेशर से इस तरह से आप डाल रहे हैं वो आपका देखिए ओपन हो जाएगा। ओके, फिर से सारे आपके ओपन हो जाएंगे। ओके, जेट में भी आप डबल श्योर होना चाहते हैं तो इस तरह से आप डालिए। ओके, इसको प्रेस कीजिए, सारे होल से आपको बाहर आएंगे। सॉरी, देखिए देखिए आपका जो जेट है कैसे आ रहा है। ये और मेंबर जिससे कि आप शायद अभी भूल गए हो और जिसे आप अभी मिले नहीं है, वो है आपका ड्रेन स्क्रू। हमने इसे ओपन नहीं किया था बट ये ड्रेन स्क्रू हमारा अभी भी वेट कर रहा है, ये आपका ड्रेन स्क्रू है। ओके ओके, और इसका सर्किट आप देखिए कैसे होता है, देखिए यहाँ से निकलेगा आपका इस तरह से। और जब आपका मोटरसाइकिल गिर जाता है या स्कूटी गिर जाता है, ये आपका यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एंट्री लेगा पेट्रोल, और ये आपका ड्रेन पाइप यहाँ से कनेक्टेड रहता है, यहाँ से कनेक्टेड रहता है, इस तरह से आएगा। देखिए कैसे मैं दे रहा हूँ अभी आपको, निकलेगा ये इस तरह से। ओके, तो जब आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो आपको खुद सर्किट का अंदाज़ होगा कि कौन किसे कनेक्टेड है। कि हमने सारे पार्ट्स को अच्छा से क्लीन कर लिया है और डबल चेक भी कर लिया है, अब इसमें आप देखेंगे कोई डस्ट पार्टिकल या इम्प्यूरिटीज़ नहीं है। ओके, अब हम इसे असेंबल करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ये चौक के वाटर फ्लाई गेट से। ओके, ऐसे आपको इसको ओपन करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप इसे ओपन मत ही कीजिएगा। ओके, क्योंकि असेंबल करने में थोड़ा इसे प्रॉब्लम होता है और इसे ओपन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसे हम असेंबल करेंगे सबसे पहले। ओके, यहाँ पे एक स्क्रू रहेगा। ओके, ये हमारा आ गया और यहाँ पे ये लग जाएगा बटरफ्लाई वाल। ओके, और इसका स्क्रू यहाँ पे। इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। ओके, तो ये आपका रेडी हो गया चौक का बटरफ्लाई वाल। ओके, ये भी टाइट हो गया आराम से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोट और फ्लोट पिन पे। तो इसे इस तरह से आप लगा लीजिए इस तरह से। ओके, यहाँ पे हल्का सा स्प्रिंग रहता है, देखेंगे आप अगर प्रेस करेंगे तो, यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लीजिए आप। ओके, देखिएगा कैसे हम लगा रहे हैं, और इसको ऐसे होल्ड करके इस तरह से इसमें डाल लीजिए, ये जो होल था जहाँ से पेट्रोल आता था। ओके, और इसका जो पिन है ये हम इसमें डाल देंगे।
ये भी हमारा रेडी हो गया और इसे एक बार हम चेक करेंगे ये वैक्यूम करके। ओके, होता क्या है कि अगर ये आपका वाल्व जो है नीडल अगर सही से सीट पे नहीं बैठे तो वो लीक करता है, तो आप इसको मुंह से भी खींच के देख सकते हैं मतलब वैक्यूम होल्ड कर रहा है कि नहीं। देखिए इसमें होल्ड कर रहा है। ओके, तो ये टाइट है। अगर ये सही नहीं रहेगा ये वाल्व, ओके, तो इसका मतलब कि आपका पेट्रोल लीक करेगा। तो नीडल अगर सही से सीट पे नहीं बैठे तो वहाँ से पेट्रोल लीक करेगा। देखिए 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 हल्का सा आवाज़ आपको आएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, आप इसको माउथ से भी आप इसको खींच के देख सकते हैं कि यहाँ से आप माउथ से खींच के देख सकते हैं कि वैक्यूम बन रहा है कि नहीं। तो ये वाल्व सही रहता है, आपका पेट्रोल लीक नहीं करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। ओके, अगर यही वाल्व आपका सीट सही नहीं रहा तो आपका पेट्रोल ओवरफ्लो करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है जो हीरो है हमारा वो मेन जेट। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है बट कार्बोरेटर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेंदी बनाना पड़ा। क्योंकि अगर किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि आदमी सोचता है कैसे क्लीन करें नहीं करें, तो एक थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बनाया इसे ताकि अगर कोई भी क्लीन करना चाहे तो आराम से क्लीन कर सके। इस वीडियो को देख के कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपका पायलट भी, और ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस टाइट हो जाए, ओपन नहीं हो, इस तरह से टाइट करें। ओके, उसके बाद अभी कुछ नहीं छूट रहा है, उसके बाद हमारा ये, और इसे एक बार हल्का सा एक क्लीन क्लॉथ से इसे क्लीन कर लीजिए, कोई भी सैंड पार्टिकल यहाँ पे नहीं रहे। ओके, क्योंकि अगर रहेगा तो आपका पेट्रोल यहाँ से लीक करेगा, साइड से काफ़ी बड़ा बॉल रहता है। ओके, यहाँ पे रहेगा। ओके, और ये जो कार्बोरेटर का कंस्ट्रक्शन है होंडा एक्टिवा का, सेम यही कंस्ट्रक्शन आपका है जितने भी हीरो मोटोकॉप के, जितने भी 100 cc के व्हीकल हैं, सारा का सेम कंस्ट्रक्शन है कार्बोरेटर का। तो आप अगर इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं तो सारे कार्बोरेटर्स आप क्लीन कर सकते हैं, सेम मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके, इसे भी आप टाइट कर लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा 3 बच रहा है, ये हमारा था यहाँ पे, शायद आपको याद होगा, ड्रेन स्क्रू। ओके, और उसके बाद आ गया हमारा एयर फ्यूल मिक्सर स्क्रू, सॉरी इसका स्प्रिंग यहाँ पे होगा, इसे आप डाल दीजिए यहाँ पे, इसे आप टाइट कर लीजिए। और जब ये कम्प्लीटली टाइट हो जाए, ओके, जैसे ये कम्प्लीटली टाइट हो गया तो आपको जैसे याद होगा मेरा 1.5 टन था। ओके, तो 1.5, ओके, 1.5 टन मैंने, जो हमारा स्टैंडर्ड जो था जब हमने इसे ओपन किया था इसी पोजीशन पे था, तो मैंने उसी पोजीशन पे डाल दिया। और ये हमारा आइडलिंग, तो इसे जस्ट हम लगा देंगे क्योंकि एडजस्ट तो हम इंजन में लगाने के बाद ही इसे करेंगे। ओके, इसे भी आप सेट कर दीजिए। ओके, तो आपका ये कार्बोरेटर क्लीन हो गया, अभी रेडी है ये इंजन में लगाने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो था ड्रेन पाइप, ये हम लगा देंगे। ओके, तो हमारा कार्बोरेटर रेडी हो गया है, नीट एंड क्लीन, डस्ट फ्री, जेट भी क्लीन है, सब कुछ क्लीन है। ओके, अब हम इसे लगाएंगे और देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है इसका। मैंने कार्बोरेटर को इंजन से अटैच कर दिया है और उसके बाद ये जो स्लाइड है इसे भी मैं क्लीन करके
लगा रहा हूँ, ओके। और ये आपका फ्यूल पाइप है, ओके, पेट्रोल इसी से आता है, बट अभी आप देखेंगे कि इससे पेट्रोल नहीं आ रहा, ओके। तो अगर आप इसे अटैच करेंगे तो आप बहुत बार किक मारेंगे या सेल्फ मारेंगे तब जाके ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक नीचे एक वैक्यूम पाइप रहता है, दोनों पाइप एक्चुअली फ्यूल टैप से ही आता है, इसमें ऑटोमेटिक फ्यूल टैप होता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें अगर आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे इसमें, ओके, इस तरह से वैक्यूम क्रिएट करेंगे आप, तो क्या होगा कि इसमें आपको पेट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए देखिए, पेट्रोल आने लगा, ओके। तो यही होता है, ओके। तो इसे आप लगा लीजिए आप, और एक्चुअली वो जो वैक्यूम होता है वो इंजन का वैक्यूम रहता है, तो मैंने सिरिंज से ये क्रिएट किया वैक्यूम, ओके। तो अगर आप उस समय बहुत ज़्यादा किक मारते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है, इसे एक बार क्या कीजिए, ऐसे करके इसे थोड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिए, ताकि आपका जो बॉल है उसमें पूरा पेट्रोल आ जाए, आपको अननेसेसरी किक या सेल्फ मारने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हो, स्टार्टिंग में वॉल पहले से फिल्ड रहे, ओके। जब ये हो जाए कुछ देर छोड़ दीजिए, इतने देर में फिल्ड हो गया होगा वो, उसके बाद जहाँ से आपने इसे ओपन किया था वहाँ पे आप इसे लगा दीजिए, और पेट्रोल पाइप को भी एक बार चेक कर लीजिए, अच्छा से लग तो गया, ओके। अब हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे कितना सक्सेसफुल हुआ। कार्बोरेटर एकदम सही काम कर रहा है, परफेक्टली। तो ये कार्बोरेटर एकदम सही काम कर रहा है और पूरा क्लीन हो गया है इसका जेट, ये सब पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था, आराम से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो आपने देखा कि कितना इजी है कार्बोरेटर को क्लीन करना, और मैं होप करता हूँ जब नेक्स्ट टाइम आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप खुद से इसे क्लीन कर सकते हैं। और कार्बोरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पे आपका जितना भी व्हीकल का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, माइलेज डिपेंड करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ये जो कार्बोरेटर आपका सेम इसी टाइप का कार्बोरेटर आपका रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, आपका स्प्लेंडर, पैसन और भी जितने 100cc के बाइक्स हैं उसमें आपका रहता है। तो अगर आप इसको क्लीन कर चुके हैं तो वो भी आपको क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप क्लीन कर सकते हैं उसे, ओके। और एक बात का मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी बन गया है, अराउंड 40 मिनट्स का, बट कार्बोरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और आपका परफॉर्मेंस, जो माइलेज, जैसे मैंने आपको बताया, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, तो मैंने इसे पूरा डिटेल में बताया आपको, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।